हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इतना भयानक था, कुछ जानवर आदमी कुछ अजीब सा ही था सर। वो सर सब वो बहुत ही ताकतवर था, सबको एक ही हाथ से उठा उठा के पटक रहा था। हम लोग तो बच गए, पता नहीं गार्ड और ड्राइवर का क्या हुआ होगा। उन लोगों को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है, आप तो घबराइए मत। आपको कुछ वो देखा था आपने वरुण को किस तरफ लेके गया वो? पता नहीं सर, हम लोग तो बेहोश हो गए थे। ठीक, ले जाओ इनको। आसपास तो सारा जंगल ही जंगल है, जो देखो कुछ काम की चीज मिलती है क्या? आपको कब पता चला इसके बारे में? सर हम लोग स्टूडियो के अंदर थे, अगले प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे थे सर। हाँ सर, तभी राज भागते भागते अंदर आया और यहाँ के बारे में बताया। सर फिर मैंने आपको और एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया। सर वरुण जी की फिल्म 20 तारीख को रिलीज हो रही है सर, प्लीज अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो। नहीं, नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें, हम लोग देख रहे हैं। आसपास देख लिया लेकिन कहीं कुछ दिखा नहीं। शहर की तरफ तो गए नहीं होंगे, नहीं अब तक तो हंगामा मच गया होता है। जंगल की तरफ ही गए होंगे। तुम लोग फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन करो, बोलो छान मारे। सर वो मॉन्स्टर का नाखून। चलो कुछ तो काम की चीज मिली। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, उस मॉन्स्टर ने बाकी लोगों को घायल करके यहीं छोड़ दिया पर वरुण जी को अपने साथ ले गया। ये तो है सर, कहीं दूर ले जाके वरुण को मारने की प्लानिंग तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जानवर के ब्रेन में प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं होती, मारना होता यही मार देता, कुछ और ही चक्कर है। एक मॉन्स्टर स्कूल बस लेके कहाँ जाएगा? ये तो पता नहीं, एक बात पक्की है इस मॉन्स्टर का स्कूल से कोई कनेक्शन है। सर पूरे शहर की पुलिस को नाकाबंदी के लिए इन्फॉर्म कर दिया, ट्रैफिक पुलिस बिना चेक किए किसी भी गाड़ी को जाने नहीं देगी। मगर सर मॉन्स्टर को गाड़ी चलानी आती होगी? पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई उस मॉन्स्टर को गाड़ी में बिठा के ले गया। सर एक खुखार मॉन्स्टर को गाड़ी में इस तरह से बैठा के ले जाना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा एक मिनट, स्कूल बस रोको। वही गुड एंजल पब्लिक स्कूल का बस है ये तो। हेलो ट्रेनर, शायद कोई घात लगाए बैठा हो। ये बस तो पेड़ से टकराई है। जरा अंदर छान मारो। बस तो खाली है, जरा आसपास देखो। सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक मॉन्स्टर गाड़ी कैसे चला सकता है, उसको लाइसेंस किसने दिया? डीसीपी चित्रोले ने दिया होगा। सर वो ही ऐसा कर सकते हैं सर। हाँ गधे को कुछ मिलता है क्या? ये देखिए इतने सारे बाल, वैसे ही बाल है जैसे स्कूल में मिला था।
ये क्या? ट्रैंकलाइजर शॉट। लगता है ये ड्राइवर उस मॉन्स्टर को ट्रैंकलाइजर देकर बेहोश करता था और स्कूल बस में ले जाता था। हो सकता है ये ड्राइवर ही मॉन्स्टर को लेके गया। स्कूल बस पेड़ से टकराई है, ये मामला कुछ और ही लगता है। सर, हो सकता है ये मॉन्स्टर ड्राइवर को उठा ले गया। या ये भी हो सकता है कि किसी कारण ये बस जाके पेड़ से टकराई और वो ड्राइवर भाग गया। एक काम करो, ये सारे एविडेंस फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। अब डॉक्टर सालूंके बताएंगे कि वो मॉन्स्टर एग्जैक्टली है क्या। तारिका, तारिका, तारिक, डॉक्टर तारिका। I'm sorry, मुझे तो पता ही नहीं चला आप लोग कब आए। थोड़ी बिजी थी काम में। डर गए ना? डर गए? हाँ सर, एक बार के लिए तो मैं सच में। क्या ये क्या बचपना है सालूंके? अरे यार, ये बचपना नहीं है बॉस, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। सीधे सीधे बता, बात क्या है? बात ये है कि ये जो बाल आप लोगों को वैन में से मिला था, बॉस, ये बाल उस बाल से मैच करता है जो स्कूल में मिला था। हम ये जानना चाहते हैं कि ये है क्या? हाँ, वो आखिर है क्या सचिन? ये जो नाखून आपको विराज स्टूडियो में मिला था, ये नाखून सारी कहानी बयान करता है। अब तो बताएगा साफ साफ। मतलब ये बॉस कि खूनी जो है एक में दो है। ये तू क्या बोल रहा है सालूंके? एक में दो है का क्या मतलब है? मतलब ये कि खूनी मिक्सचर है। खूनी मिक्सचर है इंसान और भालू का। ये तू क्या कह रहा है सालूंके? भालू और इंसान का मिक्सचर? हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, एक शरीर और दो पहचान, ये कैसे हो सकते हैं? हो सकता है सचिन, जेनेटिक बॉस, हार्मोन ट्रांसफ्यूजन से सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन सर, ऐसा कर कौन सकता है? ये तो वही लोग बताएंगे जिन्होंने उसे देखा है, भालू और इंसान। मनीषा जी, वो दरिंदा आपके स्कूल में आते रहता है और आपके स्कूल का बस उसे कहीं ले जाता है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। वाह, कितनी आसानी से कह दिया आपने कि आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर किसे पता होगा? कौन सी बस कहाँ जाती है ये सब ये डिसाइड करते हैं, ये हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है। अच्छा, फिर तो आपको सब कुछ पता होगा। क्यों सर? स्टूडेंट को ले आने और छोड़ने के अलावा बस को किसी और काम के लिए यूज ही नहीं किया जाता। मगर जब आपके स्कूल की बस का एक्सीडेंट हुआ, उसमें कोई स्टूडेंट तो था ही नहीं, क्यों? स्कूल टाइम के बाद बस को पार्किंग लॉट में खड़ा करके ड्राइवर घर चले जाते हैं। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। आपके स्कूल बस का ड्राइवर गायब है। आपके स्कूल बस के अंदर सिरिंजेस और ट्रैंक्विलाइजर्स मिले हैं। आपके स्कूल बस के अंदर उस दरिंदे की मौजूदगी का सबूत मिला है और आप कह रहे हैं आपको कुछ पता नहीं? अरे किसी को तो पता होना चाहिए। सर, हमारा यकीन कीजिए, हम खुद डरे हुए हैं कि ये सब हमारे स्कूल में कैसे हो रहा है। अच्छा, इस बस का ड्राइवर कौन है? सर, किसी भी बस को कोई भी ड्राइवर चला सकता है। कल उस बस को कौन लेकर गया था ये नहीं मालूम। सुन लिया? मालूम नहीं, इन्हें मालूम नहीं। तो मालूम क्या है आप लोगों को? जाइए आप लोग, जाइए। सचिन, ढूंढो स्कूल बस ड्राइवर को। स्कूल बस बदलती होगी मगर ड्राइवर तो नहीं बदलेगा। वही उस दरिंदे को ले जाता था ना। फॉरेस्ट ऑफिसर से कुछ पता चला?
नहीं सर, उनसे तो कोई भी जानकारी नहीं मिली सर। समझ में नहीं आता कहां लेकर गया होगा उस वरुण को और किस हालत में होगा वरुण धवन। ये गांव में मैं यहां कैसे? आसपास ही है, निकल लाऊंगा। चुपचाप पड़े रहो भाई, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। सर, स्कूल वैन के ड्राइवर का घर है इस तरफ। ये घर है सर। हेलो ट्रेना, वो घर में छुपा हो सकता है। कौन है आप लोग? जरा धीरो को बाहर बुलाओ। वो तो घर पे नहीं है, लेकिन आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? क्यों, कोई बात हुई क्या? पहले आप ये बताइए कि धीरू कहाँ है। वो तो रात से घर पे नहीं आए हैं। फोन नहीं किया आपने? जी, उन्होंने मना किया हुआ है। क्यों? वो मैं उन्हें फोन करती हूँ तो वो भड़क उठते हैं। वो सामने से खुद ही फोन करते हैं। जरा उसका नंबर दीजिए। पूर्वी, फोन लगा। 1145600009। नंबर यू हैव कॉल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। सर, फोन बंद है। स्विच ऑफ आ रहा है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। जरा देखो। तलाशी? धीरू नहीं तो कोई और सुराग मिलेगा उसका। अच्छा, ये धीरू की किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर, मतलब ये धीरू उसे ट्रैंकलाइजर देके कंट्रोल करता था। लेकिन सर, कोई भी ड्राइवर इतना चालाक या इतना समझदार तो नहीं हो सकता कि उसे ये पता हो कि मॉन्स्टर को बेहोश करने के लिए कौन सी दवा थी। मतलब कोई दवाइयों का जानकार भी शामिल है इस पूरे मामले में। अब समझ में आया कि ये मॉन्स्टर वैन में बैठ के कैसे निकल गया। ये देखो, किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है और डॉक्टर का नाम नहीं लिखा। सर, इस डॉक्टर के बारे में कैसे पता चलेगा? क्या आप ये बता सकती हैं कि ये दवाइयां आपके घर में क्या कर रही हैं? सर, हमको कुछ नहीं पता। हमने एक दो बार पूछने की कोशिश की तो हमको डांट दिया उन्होंने, इसलिए हमको कुछ भी नहीं मालूम। आपको ये तो पता होगा कि ये प्रिस्क्रिप्शन किस डॉक्टर ने लिखा। सर, हमको ये भी नहीं पता है। पता तो आपको सब कुछ है, मगर आप छुपा रही हैं, हमें बताना नहीं चाहती। सर, हम सच कह रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं पता है। आपको इतना तो पता होगा ना कि आपके पति रात को गायब रहते हैं घर से। सर, वो ड्यूटी पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जहाँ उनकी ड्यूटी होती है।
अच्छा आप ये बताइए कि 13 तारीख और 10 तारीख को उनकी नाइट ड्यूटी थी? हाँ सर। ठीक है, हम लोग चलते हैं। अगर धीरू घर वापस आ जाए या फिर उनका फोन आए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। हाँ जी। पकिया, पता करो ये धीरू ड्राइवर कहाँ है। टाइम लग रहा है फोन की डिटेल आने में। मंगाए सर, भेज रहे हैं लोग। हेलो तारिका जी। नहीं नहीं, बस ऐसे ही सोचा आपकी खोज खबर ले लो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नहीं मतलब पता नहीं चला इसके बारे में तो। निखिल, फोन की डिटेल्स का क्या पता चला? सर मंगवा लिया, बस लोग भेज रहे हैं। अभिजीत, अरे भाई ऐसा ही हुआ कि दिल किया आपकी खोज खबर ले लूं, हाल चाल पूछ लूं। अरे नहीं नहीं नहीं, घबराऊंगा क्यों, आप भी ना तारिका जी। नहीं जब आप कहें मैं तो फ्री हूं। सर क्या तारिका जी, अरे हम दोनों दोस्त हैं, आप नाम लेके पुकारती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अरे अभी अभी आपने सर बोला ना मुझे। सर बोला ना, सर बोलो या सर जी बोलो या बॉस बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मुझे बस काम चाहिए। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। सर आप कब आ गए मुझे पता ही नहीं चला। वो मैं एक खास खबरी से बात कर रहा था। बात हो गई? जी सर। अरे यार वो तुम्हारी फोन की डिटेल आई कि नहीं आई? आ गई सर, ये रही उस ड्राइवर की कॉल डिटेल। सर धीरू ड्राइवर ने इस नंबर पे कई बार कांटेक्ट किया है। श्रेया जल्दी से पता लगाओ कौन है ये। अभी कमाल है, फरार होने के बाद भी इससे कांटेक्ट में था वो। अभिजीत जरूर ये वही आदमी है जिसके कहने पर ये स्कूल बस का ड्राइवर उस आदमखोर को लेके जाता था कहीं। सर सब पता चल गया, ये नंबर एक साइंटिस्ट का है, डॉक्टर सोहन। डॉक्टर सोहन साइंटिस्ट? फाइल में थे, अचानक गायब कैसे हो गए? कौन है? कौन है वहां?
ये तो मर चुका है। हम इस डॉक्टर को यहाँ मिलने आए थे और इसे ही किसी ने मार डाला। दो दो बार चाकू से वार किया है, कुछ समय पहले ही मारा है इसे, अभी भी ताजा है। ये तो डॉक्टर सोहन का रिसर्च वर्क लग रहा है। तो यही है डॉक्टर सोहन जो आदमियों को जानवर बनाने के रिसर्च पे काम कर रहे थे। लेकिन इसे मारा किसने हो? उसी ने जो डॉक्टर साहब के रिसर्च के बारे में जानता था। इन सभी लोगों को ब्यूरो बुलाना होगा जो डॉक्टर साहब के रिसर्च पे काम कर रहे थे। तो आप लोग हैं जो डॉक्टर सोहन के साथ उस रिसर्च पर काम कर रहे थे? जी सर। आप पांच लोग थे ना, बाकी दो कहाँ हैं? सर उन दोनों में से एक हॉस्पिटल में एडमिट है और एक जेल में बंद है सर। लेकिन सर हुआ क्या है, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया सर? शहर में एक मॉन्स्टर ने आतंक मचा रखा है और आप पूछ रहे हैं हुआ क्या है, है? सर प्लीज प्लीज हम पर विश्वास कीजिए, हम में से इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता सर। डॉक्टर सोन ने अपना रिसर्च बीच में ही बंद कर दिया था, तो फिर तुम में से कोई एक है जो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। बताइए कौन है वो? कौन है वो? सर सोहम सर ने जब हमें बताया था कि हमारे इस रिसर्च से लोगों को खतरा है तो हमने ये प्रोजेक्ट तुरंत बंद कर दिया था सर। हाँ मगर। क्या मगर? सर हमें से सभी ने सोहम सर की बात मान ली थी, बस एक ने उनकी बात नहीं मानी थी। किसने? डॉक्टर कमल ने, जो अभी जेल में बंद है सर। और जो हॉस्पिटल में है उसका क्या नाम है? डॉक्टर सागर सर। डॉक्टर कमल जेल में है और डॉक्टर सागर हॉस्पिटल में है। मिलना पड़ेगा इन दोनों डॉक्टरों से, इन्हीं में से कोई एक है जो इंसान को जानवर बना रहा है। डॉक्टर कमल और डॉक्टर सागर। मेरा फोन। बहुत बुरा फंसा है अभी, अब देखना क्या हालत होती है इसकी। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। चिल्ला क्यों रहा है बे? अबे क्या हुआ? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अबे कहीं कुछ हो तो नहीं गया इसे? चल चल के देखते हैं। निकल चाबी। तैयार है पान आपका? हाँ सर एकदम, आ जाइए ले जाइए। भाई पान बनाओ यार, तुम तो फोन पे ही लगे पड़े हो, पान बनाओ जल्दी है। हाँ हाँ। कहाँ फंस गया, घर भी नहीं जा सकता और इतने पैसों में तो शहर के बाहर भी नहीं जा सकता। कहाँ ढूंढूं मैं उसको,
लीजिए जनाब। इतना टाइम लगा रहा हूँ पान बनाने को यार, पैसा तो दीजिए। पैसा दिया देखिए। अच्छा सलाम साहब। आप आ गया, कहाँ है मेरा पान? वो रहा सर आपका पान। एक गाड़ी निकालो। सर, सर डॉक्टर कमल जो जेल में बंद है, मैंने उनके बारे में सब पता किया। सर इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने में उनका कोई हाथ नहीं है। और डॉक्टर सागर जो हॉस्पिटल में है वो? सर उनका तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, वो ना तो बोलने की हालत में है ना ही बेड से उठने की हालत में। एक्सक्यूज मी, ये कैसे हो सकता है? कोई तो है जो इस दरिंदे के जरिए ये खून का खेल खेल रहा है। सर एक नई बात पता चली, ये डॉक्टर सागर जो अभी हॉस्पिटल में है, ये उसी स्कूल में लेक्चर्स देते थे जहाँ पर ये मॉन्स्टर आता जाता है। मतलब अभिजीत, ये डॉक्टर सागर या उससे जुड़ा हुआ कोई आदमी शामिल है इस प्रोजेक्ट में? सर ये उस बस के ड्राइवर सुधीर बड़ी मुश्किल में आदमी आए। सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे छोड़ दीजिए। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर बता क्या हुआ था उस दिन? सर उस रात जब सीआईडी वाले कुछ दरिंदे का पीछा कर रहे थे तो वो दरिंदा भागते हुए आया और मेरी स्कूल बस में चढ़ गया। से मैं जान बचा कर वहां से भागा। डॉक्टर सोहन वो तुम्हें फोन क्यों करते थे? डॉक्टर सोहन को पता चल गया था कि वो दरिंदे को मैं स्कूल बस में बिठा कर ले आता हूँ और वापस ले जाता हूँ। सर वो मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर मैंने ये काम नहीं छोड़ा तो वो सीआईडी वालों को बता देंगे। तो फिर तुम किसके कहने पर ये सब कर रहे थे? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं मालूम। सर मत बोल, जिसके लिए काम करता है उसे जानता नहीं है? सर मैं सच कह रहा हूँ, वो आदमी मुझे अलग अलग नंबर से फोन करता है, मेरे पास तो कोई नंबर भी नहीं है सर उसका। लेकिन एक बात है सर, उस आदमी को दवाइयों के बारे में बहुत मालूम है। उसने मुझे उस दरिंदे को बेहोश करने वाली दवाई बताई थी। सर मालूम है ना कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए हो तुम? सर मैं क्या करता सर, उसने मुझे धमकी दी थी अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो वो मुझे और मेरी बीवी को उस दरिंदे से मरवा देगा। सर कहाँ लेके जाते थे उस दरिंदे को तुम? उस दरिंदे को बेहोशी का इंजेक्शन देके मैं जंगल से स्कूल लेकर आता था और वापस स्कूल से जंगल छोड़कर आता था। स्कूल में लाते थे? अभिजीत ये जो भी कोई है ना स्कूल से जुड़ा हुआ है। कौन कौन है ये जो ये वहशीपन कर रहा है? क्या बात है सर, आपने एकदम अर्जेंटली फोन करके बुलाया, कहीं वो दरिंदा फिर से हमारे स्कूल में तो नहीं आ गया? नहीं मैडम, फिलहाल आप ये बताइए कि आपके स्कूल में ये टीचिंग स्टाफ कितने लोग हैं? लगभग 28। 28 और साइंस फैकल्टी में? साइंस फैकल्टी 3। 3, जरा इनके डिटेल्स निकालिए। जी ये देखिए, इसमें से एक तो डॉक्टर है। ये है
जरा इसे बुलवाइए। आप ये तो नहीं आ सकते। क्यों मैडम? इन्होंने सुबह ही रिजाइन कर दिया है। रेजिग्नेशन देने खुद आए थे? नहीं, खुद नहीं आए थे, उन्होंने मुझे मेल भेजा है। सर, हमारा शक सही निकला, इस सब के पीछे इसी का हाथ हो सकता है। और जैसे उसे पता चला कि इसका भांडा फूटने वाला है, निकल लिया यहाँ से। जरा इसे फोन लगाइए यार। जी। फोन स्विच ऑफ है, मगर इन्होंने किया क्या है? जोर से मारा है मेरे को, देख कितना खून निकला है। शूटिंग है मेरी कल, पागल हो गया? गले मिलना चाहते क्या? मुझे मारा है ना? तू देख मैं किसको फोन करता हूँ, तेरा क्या हाल करता हूँ। बाल की दुकान, और चिल कर यार, चिल कर, इतना चिल्लाएगा तेरा बीपी हाई हो जाएगा। कौन? हेलो सर, सर मैं वरुण, वरुण धवन बोल रहा हूँ। अरे वरुण, कैसे हो तुम, कहाँ हो? सर मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ी चोट लगी है, पर ये दरिंदे ने मुझे किडनैप किया है सर, और एक रूम में डाल दिया था, पर मैं वहाँ से निकल गया हूँ सर। तुम्हें उसने कमरे में बंद कर दिया था? यस सर। अच्छा तुम्हें मालूम है इस वक्त वो कहाँ है? सर हाँ सर, मुझे पता है उसका ठिकाना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे वरुण ने बताया, इसी जंगल में कहीं है वो जगह। सर लेकिन यहाँ पर तो कोई सुनसान हवेली दिखाई नहीं दे रही। हाँ, लगता है इस जंगल में और अंदर घुसना पड़ेगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अपने ठिकाने से बाहर आ गया हो? हो सकता है पंकज, इसलिए कहता हूँ नजर रखना चारों तरफ। सर उस रात स्कूल में उस मॉन्स्टर ने मुझे बहुत गौर से घूरा था सर, आज तो वो मुझे देखते ही पहचान लेगा। हाँ ये बात तो है, अगर पहचान लेगा तो निपट लेना उससे। सर अगर अगर उसने मुझे निपटा दिया तो? अरे हम भी है तुम्हारे साथ में, ऐसे कैसे निपटा देगा वो तुम्हें? बस हाँ, उसकी वो दवा तैयार रखना। तैयार है? सर सामने एक पुरानी हवेली जैसा दिखाई दे रहा है। सर मैं बाहर जाके पूर्वी के साथ खड़े रहूं सर? पंकज तुम इतना डरते क्यों? कुछ नहीं होगा सर, भगवान करे आपकी बात सही हो जाए, यहां कुछ होना नहीं चाहिए सर।
लगता है वो इस पिंजरे के अंदर था, तोड़ के भाग निकला। क्या हाल कर दिया उसने पिंजरे का सर, लगता है वो बहुत गुस्से में। सर वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पंकज कोई हंगामा नहीं। कोई हंगामा नहीं। कंट्रोल कंट्रोल, मैंने कहा ना शांत रहो। नहीं नहीं शांत रहो, नहीं कंट्रोल में, कंट्रोल मैंने कहा ना कंट्रोल। हंगामा नहीं। सर ने उस मॉन्स्टर के सामने से भागने को कहा था। सीआईडी से नहीं। तेरे मॉन्स्टर को सुला के आ रहा हूं अंदर, तू मेरी लोरी नहीं सुनेगा। मैं इंसान और जानवर के बीच में दुनिया को हिला देने वाला कुछ आविष्कार करना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था जिससे दुनिया के लोग मुझसे डरे, मुझसे कांपे और दुनिया में मेरा नाम हो। दुनिया हिलाने चला था पर खुद हिल गया। काबिल तो हो तुम, मगर तुम्हारी सोच घटिया है। तुम्हारी काबिलियत का गलत इस्तेमाल किया तुमने और न जाने कितने मासूम लोगों की जाने गई। तुम्हारी सही जगह तो वही है, जेल में, और अंजाम फांसी। ठीक तो है ना?
हाँ सर बिल्कुल। गौरव तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारी वजह से वो मॉन्स्टर पकड़ा गया। सर मेरी वजह से कहा, वो तो आप लोगों की वजह से पकड़ा गया। अरुण ये बात तो मानना पड़ेगा कि वाकई में तुम बहुत बहादुर हो। इतनी चोट लगी थी फिर भी तुम उन गुंडों से और उस मॉन्स्टर के चुंगल से निकल आए। सर असली बहादुरी का काम तो आप लोग करते हो, अपनी जान दांव पे लगा के दूसरों की जान बचाते हो, तो सिर्फ अपनी जान बचाई है। वरुण तुमने मौत को मात दी है और ये इतना आसान नहीं होता। वैसे तुम्हारी नई फिल्म आ रही है बदलापुर, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।